चीन में बड़ा हादसा, शॉपिंग मॉल में आग लगने से 16 लोगों की मौत, कई लापता। चीन के दक्षिण पश्चिम शहर जिंगगांग के शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। ऑफिशियल न्यूज एजेंसी शिनहुआ से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 6 बजे के बाद 14 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड और बचाव कर्मियों की टीम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। बचाव कर्मी की ये टीम सुबह 3 बजे तक लोगों को बचाने की कोशिश में लगे रहे। बिल्डिंग हुई धुआं। चीन की हाईटेक 14 मंजिला इमारत के नीचे हिस्से में पड़ते शॉपिंग सेंटर में ये आग लगी है। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया। अभी पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण से लगी या आग लगने के समय बिल्डिंग में कितने लोग थे। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आग लगने की वजह कंस्ट्रक्शन का काम था। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस घटना की जांच की जा रही है। मई तक आग लगने से 947 लोगों की गई जान। चीन में आग के खतरे और अन्य घातक घटनाएं बहुत आम है। 20 मई तक आग से अब तक 947 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 19% ज्यादा है। राष्ट्रीय अग्नि और बचाव प्रशासन के प्रवक्ता का इस मामले में कहना है कि होटल और रेस्तरां जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आग लगने की घटनाओं में 40% की वृद्धि हुई है। इसका कारण आमतौर पर बिजली या गैस लाइनों की खराबी और लापरवाही बताया जा रहा है।